इंसान अगर बने संवरे शौहर से अप्रिसिएशन लेने के लिए, तो बाज़ औक़ात लड़कों को इस बात की समझ नहीं आती कि अप्रिशिएट करना उसका दिल मोहब्बत से भर देगा। आप देखें कि यानी बीवी फिर किस उम्मीद पर तैयार हो, किस उम्मीद पर शौहर का दिल खुश करने की कोशिश करे कि शौहर तो वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, और अगर कर भी रहा है तब भी शायद मोहब्बतों का बदल इंसान दे ही नहीं सकता जो कुछ इंसान करता है। तो अल्लाह पाक ने जो तरीके जिंदगी हमें बताया ये उसकी उसकी बेसिक्स में से है कि आप कोई भी काम करो तो उस पर अजर की उम्मीद अपने रब से रखो, सवाब वो देगा, बदला वो देगा, क्योंकि इंसान बदला नहीं दे सकता। और इसका दूसरा पार्ट है कि अल्लाह के अजाब के खौफ से उसके रोके से रुक जाना तकवा है। तो ये तकवा जो है ये इस ताल्लुक की बुनियाद है। अब आप देखें कि जो काम किसी इंसान के लिए नहीं उसके पैदा करने वाले के लिए किए जाए तो गिले शिकवे, इख्तलाफात और आपस के मामलात की खराबियां, बदगुमानियां, कीना, बोझ, नफरतें, हसद और सारी बीमारियां जो दिल से मुतालिक हैं लेकिन फिर जुबान भी आलूदा हो जाती, सारी बीमारियां खत्म हो जाती। और अब देखें कि इंसान का दिल बीमार होता है ना, यानी जब इंसान उस शख्स के बारे में जिससे वो मोहब्बत करता है कोई बुरी बात दिल में रख लेता है, इंसान है ना, किसी वक्त भी उसके दिल में ख्याल तो आ सकता है। एक बुरा ख्याल दिल में पालने की वजह से, बदगुमानी की वजह से किस तरह दिल भी स्याह हो जाते हैं, जिंदगी भी। जब आप एक ख्याल को पालते हैं तो वो पलता है, बड़ा होता जाता है, हत्ता कि इंसान का दिल दूसरे के लिए कुल्ली तौर पर बदगुमान हो जाता है। जब दिल बदगुमान हो जाता है फिर वो लावा पकता रहता है, फिर जब जुबान से बात निकलती है तो मोहब्बत वाली नहीं निकलती, जुबान से तलख बात निकलती है, कभी ताना, कभी पीठ पीछे गीबत, चुगली। और फिर आप देखें कि जब शौहर से कोई शिकवा पैदा होता है, कभी शराकत का खौफ है,